जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ति का एक उपाय बताने वाला हूँ। ये इच्छा पूर्ति का जो उपाय है, ये आपकी मन की शक्ति से बनने वाली चीज़ है, जो आपको इतना प्रेरित करेगी, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी कि आपके आसपास इतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि आप जो चीज़ चाहते हैं वह चीज़ आपको सामने से चल कर आकर मिलेगी। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता है, अर्थात असफल रहता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके इर्द गिर्द रहने वाली नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, काली शक्तियाँ, जिसे काला जादू कहते हैं, टोना टोटका कहते हैं, या हाय बद्दुआ कहते हैं, या किसी जगह गलत जगह पर पैर पड़ गया ऐसा कहते हैं, या किसी की नज़र लग गई, रीज़न कुछ भी हो या कोई भी तरीका हो, लेकिन जो चीज़ होती है कि उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं कि जो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब जब आप इसका उपाय करते हैं और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति से जब आप इसका उपाय करते हैं, तो बड़ी ही ताकत से वह शक्ति इन काली शक्तियों को दूर भगा देती है और देखते ही देखते आपके काम बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय कि जो आपके अंदर इतनी ताकत भर देगा, इतना जुस्सा भर देगा, आपके इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी कि आप जो कुछ चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति जब अत्यधिक निराश होता है, असफल होता है, तो उसके आसपास काली शक्तियों का एक घेरा बन जाता है, एक नेगेटिव शक्तियों का घेरा बन जाता है, जो उस व्यक्ति को सब तरफ से घेर लेती हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेस होता है, असफल होता है, तो उसके आसपास काला घेरा दिखाई देता है। तो ऐसा ही है, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके आसपास येलो और वाइट शेडो दिखाई देते हैं, घेरा दिखाई देता है। तो आज मैं उपाय बताने वाला हूं कि किस तरह से यह जो नकारात्मक शक्तियां हैं, इनको आप दूर भगा सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, या अपने पास बुला सकते हैं और उनके जरिए आप जो कुछ चाहते हैं वह चीज़ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक क्यों करना है कि किसी भी कार्य को जब आप लगातार 21 दिनों तक, कोई भी कार्य जब आप लगातार 21 दिनों तक करते हैं, तो उसका अपना एक ओरा बन जाता है, आभा बन जाती है, एक जैसे कहें हैबिट बन जाती है, वो रूटीन में चीज आ जाती है, फिर वो ब्रेक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि एक वाइट, एक सफ़ेद कलर का आपको कपड़ा लेना है। ध्यान रहे, सफ़ेद कलर का आपको कपड़ा लेना है। हो सके तो रेशमी वस्त्र लें, वाइट कलर का रेशमी वस्त्र लें, और एवरीडे सवेरे 21 दिनों तक जब आप स्नान करके आते हैं, इसके बाद रेड इंक से, लाल इंक से उस पर अपनी इच्छा लिख दें। जब आप पहले दिन लिखते हैं तो एक बार अपनी इच्छा लिखें, जब दूसरे दिन आप लिखेंगे तो दो बार अपनी इच्छा लिखें, थोड़ा सा स्पेस दे दें और फिर दो बार अपनी इच्छा लिखें, तीसरी बार जब तीसरे दिन आप लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे करके तीन बार अपनी इच्छा लिखें। ध्यान रहे, आपकी जो पहले दिन आपने इच्छा लिखी थी वही इच्छा लिखनी है आपको। पहले दिन लिखते हैं तो एक बार, दूसरे दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार, चौथे दिन चार बार, इस तरह से लगातार एक 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 बढ़ाते जाना है। हर दिन एक बार जो आप लिख रहे हैं, जो आपने पहले दिन एक बार लिखी थी, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, पांच दफ़े, छः दफ़े, सात दफ़े, इस तरह से क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते आपको 21वें दिन 21 बार अपनी इच्छा लिखनी है। यह चीज़ इतनी शक्तिशाली है कि आप चाहे जो कुछ इस चीज़ से मांगेंगे वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। पूरे दिन आप इसके बारे में सोचें और अगले दिन सवेरे फिर स्नान करने के पश्चात अपनी इच्छा उस पर लिख दें, कपड़े पे। जब भी घर पर लौट करके आएँ उसको देखें, यदि आपके पास में रखते हैं उसको, तो जहाँ कहीं भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप इसे देखें।
21 दिन के बाद आप इसको जल प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।